भारत देश कृषि प्रधान देश है। यहाँ कृषि को अच्छा बनाने में मवेशियों का भी विशेष योगदान होता है। भारत देश में इन मवेशियों की पूजा की जाती है। पोला त्योहार उन्हीं में से एक है, जिस दिन कृषक बैलों की पूजा करते हैं। यह पोला का त्योहार विशेष रूप से महाराष्ट्र में मनाया जाता है, जिसके लिए शहर के बाजार सज गए हैं। बैल पोला त्योहार बैल को समर्पित है और मुख्य रूप से मनाया जाता है महाराष्ट्र और आसपास के क्षेत्र श्रावण अमावस्या पर, जिसके लिए बाजारों में रंग बिरंग के मिट्टी से बने बैल मार्केट में दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ ही विदर्भ क्षेत्र में बैल पोला के अगले दिन को बच्चों द्वारा ताना पोला त्योहार के रूप में मनाया जाता है। त्योहार में बच्चे बैल की लकड़ी की प्रतिकृति सजाते हैं, जिसकी पूजा की जाती है। भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत में जो है मवेशियों की भी पूजा की जाती है, और ऐसा ही एक दिन जो है मनाया जाता है पोले के नाम से, बैल पोले के नाम से। वो जो उसके लिए जो है शहर में हम देख पा रहे हैं कि पोले के दूसरे दिन जो ताना पोला भी मनाया जाता है, जो बच्चे जो है लकड़ी के जो बैल होते हैं उन्हें घुमाते हैं और उससे जो है उसकी पूजा की जाती है लकड़ी के बैल की। पोले के दूसरे दिन इसकी पूजा होती है और इसके लिए जो है बाजार सज चुके हैं। हम देख रहे हैं कि बैल जो है मिट्टी के बैल के साथ साथ जो है लकड़ी के बैल भी यहाँ बाजारों में हमें दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि बस कुछ ही दिनों पर जो है बैल पोला है। हमारे साथ यहाँ कुछ ग्राहक उपस्थित हैं, उनसे जानते हैं कि क्या बताओगे आप बैल जो है पोले के लिए देख रहे हैं, कैसा मतलब कैसे लगे इस बार, क्या बताओगे? बस पहली बार आ रहे भाई, तो हम तो यानी वैसे कुछ बोल नहीं सकते। अभी तो भाव देख रहे थोड़ा कॉस्टली लग रहे हैं हमको, तो बस वही अभी भाव कर रहे हैं। हाँ, मेरे बच्चा है अभी छोटा, पहली बार उसके लिए ले रहे हैं, पहला पोला है उसका। तैसड़ी से घेतो है मैडम, क्या हाल है? हम देख पा रहे हैं कि जैसे बैल पोला जो होता है उसके दूसरे दिन तान्हा पोला मनाया जाता है, उसके लिए जो लकड़ी के बैल है इनकी पूजा की जाती है और उसके लिए ग्राहक जो है खरीदारी जो है इस बैलों की कर रहे हैं। हम देख पा रहे हैं कि मिट्टी के बैल के साथ साथ जो है लकड़ी के बैलों से भी बाजार जो है सजे हुए है पोले के लिए। कैमरा पर्सन अजित कुंवर के साथ मैं क्षितिजा देशमुख, BCN News नागपुर।